नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बबली और चुलबुली हीरोइन काजोल के बारे में। काजोल 90 के दशक की बहुत सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से एक थी। तो शुरू करते हैं इनके अर्ली जीवन से। इनका जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ। इनकी मां का नाम तनुजा है, जो अपने समय की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी। इनके पिताजी का नाम सोमू मुखर्जी था, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम तनिषा मुखर्जी है, जो पेशे से एक्ट्रेस है। प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन इनके रिश्ते में मौसी लगती थी। इनकी नानी शोभना समर्थ भी हिंदी सिनेमा से अपना ताल्लुक रखती है। इनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी भी फिल्म प्रोड्यूसर है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी और सार्वनी मुखर्जी रिश्ते में काजोल की बहन लगती है। इसके अलावा अभिनेता मोनिश बहल और डायरेक्टर अयान मुखर्जी इनके कजन है। काजोल जब बहुत छोटी थी, तभी इनके माता पिता अलग हो रहे थे, पर काजोल को कभी भी इस चीज का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बात इनको बताई ही नहीं गई। काजोल का पालन पोषण इनकी नानी ने किया और इनको कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि इनकी माँ काम पर जाती है और इनसे दूर रहती है। काजोल को विरासत में दो कल्चर मिली है, मराठी इनके माँ की तरफ से और बंगाली इनके पापा की तरफ से। अब इनके पढ़ाई की बात करें तो इनकी स्कूलिंग संत जोसेफ कॉन्वेंट पंचगनी से हुई है। पढ़ाई के अलावा ये डांसिंग में भी अच्छी हुआ करती थी। अब इनके करियर की बात करें तो अर्ली 90s में काजोल की मां तनुजा खुद से डायरेक्ट की फिल्म में इनको लॉन्च करना चाहती थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, कुछ दिन चली भी, पर किसी कारण बस इसको बंद करना पड़ गया। फिर साल 1992 में 17 साल की उम्र में काजोल ने फिल्म बेखुदी से फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा, पर यह फिल्म फ्लॉप चली गई। फिर अगले साल इनकी दूसरी फिल्म शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ आई बाजीगर, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली और सक्सेसफुल साबित हुई। फिर साल 1994 में काजोल की फिल्म उधार की जिंदगी ने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। इसके बाद भी काजोल ने कुछ अच्छी फिल्मों में काम किया, जैसे हलचल, गुंडा राज, पर इनको कुछ खासा पहचान नहीं मिल पाई इन फिल्मों से। इनको पहचान मिली यशराज फिल्म ये दिलगी से। इस फिल्म में के लिए काजोल को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट किया गया। साल 1995 में इनकी दो बड़ी फिल्में आई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन। करण अर्जुन में इनको कुछ ज्यादा पहचान नहीं मिली, पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तो इनके करियर के लिए अलग ही छाप छोड़ दिया। इसके बाद साल 1998 में इनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म के बाद ये अंजलि के नाम से फेमस हो गई और फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा के लिस्ट में शुमार हो गई। 90s के दशक में अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से दो फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। अब और भी अच्छी फिल्मों की बात करें काजोल के जीवन की, तो गुप्त द हिडन ट्रूथ में नेगेटिव रोल था काजोल का, पर फिर भी इन्होंने कमाल कर दिया। इसके बाद आई फिल्म दुश्मन, कभी खुशी कभी गम, फना, माय नेम इज खान, दिल वाले, तन्हाजी, त्रिवंग और लेटेस्ट फिल्म आई द ट्रायल। इन सब ने भी काजोल ने खुद को एक अच्छी अभिनेत्री प्रूफ किया। फिल्म कभी खुशी कभी गम, फना और माय नेम इज खान के लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर भी मिल चुका है। अब बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो साल 1994 में फिल्म गुंडा राज के शूटिंग के दौरान इनको अभिनेता अजय देवगन से प्यार हो गया और साल 1999 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और शादी से इनके दो बच्चे हैं, बेटी नाशा और बेटा युग। ये तो रही फिल्म इंडस्ट्री की बबली और चुलबुली उम्दा एक्ट्रेस के जीवन की कहानी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।